आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले प्रवेश शुक्ला के घर पर चला बुलडोजर। भाजपा नेता ने मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को दिया अंजाम। आरोपी को मंगलवार देर रात किया गया गिरफ्तार। आरोपी प्रवेश शुक्ला पर हुई NSA की कार्रवाई। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ काव्या मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम राजनीति में। मध्य प्रदेश से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे देश में हलचल मची हुई है। जातिवादी कुंठा से ग्रसित व्यक्ति ने मानवता को शर्मसार करने जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया। वायरल वीडियो ऐसा है कि हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। बीते माह 27 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गर्व से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह AC के रूम में बैठकर पार्टी का कार्य नहीं करते, बल्कि गांव-गांव जाकर जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण देने के महज 8 दिन बाद ही कुंठित मानसिकता के एक BJP नेता ने नशे में धुत होकर सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाते हुए ऐसी हरकत की कि भारतीय जनता पार्टी की थूथू होने लगी। तो तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी ट्वीट कर घटना की निंदा की। बताते चले, मध्य प्रदेश के सीधी जिला से विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि रह चुका प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति ने एक असहाय लाचार आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करते हुए वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह वीडियो कुबरी बाजार का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रवेश शुक्ला भी कुबरी बाजार का ही निवासी है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि तरुण प्रवाह न्यूज नहीं करता। आपको याद होगा कि पठान मूवी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भी एक भगवा रंग की ड्रेस पहनकर नृत्य किया, जो देश में हिंदुओं की भावनाएं आहत होने लगी। भावनाएं इस कदर आहत हुई कि पठान मूवी का जमकर विरोध किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस आदिवासी व्यक्ति के ऊपर BJP नेता प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया, उसने भी भगवा कलर के कपड़े धारण किए थे। लेकिन अब किसी की भी भावनाएं आहत नहीं हुई। भावनाएं आहत हो भी कैसे सकती है साहब, क्योंकि वह तो एक आदिवासी समुदाय का व्यक्ति है जो सदियों से ही मानसिक शारीरिक प्रताड़ना झेलते चले आ रहे हैं। 75 वर्ष आजादी के पूर्ण होने पर देश में अमृत महोत्सव काल चल रहा है, लेकिन आदिवासी समुदाय के व्यक्ति के ऊपर पेशाब करना यह दर्शाता है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश में SC ST समाज के लोगों पर अत्याचार लगातार जारी है। इस बात का अंदाजा तो इस वीडियो से भी लगाया जा सकता है कि उस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोगों में इतना साहस नहीं है कि वह इस जातिवादी मानसिकता के लोगों का विरोध कर सके। प्रवेश शुक्ला उस आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करता रहा, लेकिन उस व्यक्ति ने विरोध तक नहीं किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर घटना की कड़ी निंदा की, साथ ही NSA की कार्रवाई के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरकत में आई पुलिस ने प्रवेश शुक्ला को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर थाने ले जा रही थी, उस समय भी प्रवेश शुक्ला का रुतबा देखने लायक था। देखने में ऐसा लग रहा था कि वह थाने में नहीं बल्कि सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। तभी तो मध्य प्रदेश पुलिस आरोपी की पीठ थपथपाती नजर आ रही है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आखिर ऐसी मानसिकता वाले लोगों में ये हिम्मत आती कहां से है? कौन है वो लोग जो इनको साहस दे रहे हैं? अक्सर SC ST एक्ट हटने को लेकर मांग और धरना प्रदर्शन आए दिन जारी रहते हैं। SC ST एक्ट लागू होने के बाद जब लोगों पर इस कदर अत्याचार किया जा रहा है, तो सोचो SC ST एक्ट को हटने के बाद इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। दोस्तों, यह बात सोचने पर मजबूर करती है। सफाई में लोगों ने बताया कि अधिक नशा होने के कारण ऐसी गलती हो गई, तो ये गलती अपने घर के किसी व्यक्ति के साथ क्यों नहीं की? हिम्मत है तो किसी BJP कार्यकर्ता के साथ ऐसी गलती करके दिखाओ। BJP विधायक केदारनाथ शुक्ला ने अपनी सफाई में कहा कि प्रवेश शुक्ला उनके प्रतिनिधि नहीं है। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर अखबार की न्यूज क्लिपिंग वायरल हो रही है, जिसमें प्रवेश शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि चुने जाने की खबर है। वहीं पीड़ित आदिवासी युवक ने घटना के वीडियो को फर्जी करार दिया, जबकि वीडियो में BJP नेता की करतूत साफ तौर पर नजर आ रही है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक द्वारा
पे इस हलफनामे में कितनी सच्चाई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बुलडोजर की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चला दिया, जिससे अधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मकान के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई तो मकान अवैध जमीन पर निर्मित पाया गया, जिससे कार्रवाई के दौरान ध्वस्त करना पड़ा। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।